नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हो विपणी स्वदेश की मंडी, एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर 100% स्वदेशी वस्तुओं आप खरीद सकते हो, वो भी एक सस्ते किफ़ायती दाम में भारी डिस्काउंट्स के साथ। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी। आप वहां जाइए, अपना फ्री में अकाउंट ओपन करिए और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक गुत्थी सुलझाने के लिए। कुछ दिनों से मैं एक रिसर्च कर रहा था और लगभग हर भारतीय के और युवाओं के जहन में ये सवाल है कि नॉइस कंपनी जो है वो मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है या फिर चाइनीज कंपनी है। और ये सवाल पूछना जायज़ है क्योंकि कहीं पर भी एक क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन ना कंपनी की तरफ से हमें मिलती है और ना ही नेट पे कई जगह पे मिलती है, गोलमोल जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का सच बताने से पहले मैं थोड़ा आपको उसके इतिहास में, बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। अमित खत्री और गौरव खत्री नाम के दो युवक एक बिजनेस करते थे, मोबाइल कवर्स इंपोर्ट किया करते थे और यहाँ लोकल मार्केट में वो बेचते थे। लेकिन 2014 में उन्होंने गुरुग्राम में, जो कि नोएडा के पास पड़ता है दिल्ली में, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था नॉइस। स्मार्टफोन का ज़माना आ चुका था और इसीलिए स्मार्टफोन के जो एसेसरीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो गैजेट्स को बेचने का काम ये कंपनी 2014 से कर रही है। जायज़ है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पर करते नहीं है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है या जो एसेसरीज होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि वो इंपोर्ट चाइना से करते हैं, क्योंकि चाइना आज इलेक्ट्रॉनिक के वर्ल्ड में, की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स वो इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर उसका ब्रांडिंग करके, उसको असेंबल करके इंडियन मार्केट में वो बेच रहे हैं पिछले 7 सालों से। और कुछ अगर बताना है तो पिछले 2-3 सालों में, लगभग 4 साल से नॉइस का जो ब्रांड है, नॉइस के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग में बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुके हैं। सो एक अच्छा कंज्यूमर बेस ऑलरेडी नॉइस कंपनी का है। लेकिन फिर भी कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये भाई चाइनीज़ है कि इंडियन है, क्योंकि उनका जो बॉक्स आता है, पैकेजिंग बॉक्स, उसके अंदर भी कंट्री ऑफ ओरिजिन वो चाइना मेंशन करते हैं। लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री ये है, ये जो कंपनी है ये कंपनी इंडियन है। नॉइस कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है बेशक, गुरुग्राम में वो उसका हेड ऑफिस है और जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो वो इस कंपनी से खरीदते हो। हाँ, ये कंपनी जो स्पेयर पार्ट्स है और जो भी कुछ उनको लगता है वो सामान वो बेशक चाइना से इंपोर्ट करती है और ये उन्होंने कहीं पर भी छुपाया नहीं है। दोस्तों, ये 100% स्वदेशी है क्या? तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इंपोर्टिंग अभी भी चाइना से होती है। लेकिन फिर भी एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये जो ओनर है कंपनी का वो इंडियन है, जो एम्प्लॉयमेंट बनता है वो इंडिया में मिलता है और जो भी प्रॉफिट मिलता है वो इस कंपनी को ही मिलता है। इसमें किसी फॉरेन कंपनी का स्टैक है क्या? तो जी नहीं, इसमें किसी भी चाइनीज़ कंपनी का या कोई और फॉरेन कंपनी का बिल्कुल भी स्टॉक या स्टैक नहीं है। ये 100% इंडियन ओनर्स ही इसको चलाते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से इंडियन है और उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं कि यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक के जो स्मार्टफोन के जो गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, एसेसरीज़ है, उनका मैन्युफैक्चरिंग तो भाई इंडिया में बनता नहीं है। मतलब ये दुख की बात है कि हम मंगलयान बना लेते हैं, चंद्रयान यहाँ बना लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे हेडफोन्स या स्मार्टफोन्स आज भी बनाने की टेक्निक हमारे पास नहीं है। खैर, आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि ये सारे स्पेयर पार्ट्स भी, ये सारी चीज़ें भी इंडिया में ही बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 16 दिसंबर 2021 को इंडिया की जो कैबिनेट है, मोदी गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, उन्होंने एक प्लान अप्रूव किया है और वो प्लान है सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग का प्लान, और उसके लिए 76,000 करोड़ का बजट। 76,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और ये बजट उन्होंने अप्रूव किया है उस कैबिनेट मीटिंग में। उसके बाद में जो अपने आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनको मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था, तो
उन्होंने जो प्लान बताया वो मतलब एक सिर्फ बजट अलोकेट करके वो रुके नहीं है, एक अच्छा फुल प्रूफ प्लान उनके पास है जिसका एग्जीक्यूशन उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि ये जो सेमीकंडक्टर्स है और ये जो भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, वो सारे इंडिया में ही बनेंगे, इंडिया में ही इस्तेमाल होंगे, और इतना ही नहीं इंडिया बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बड़ा सा स्टेप इस दिशा में रखते हुआ हमारा देश हमें दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमें मिल रहा है उसमें हमको खुशी माननी पड़ेगी कि एटलीस्ट जो डायरेक्ट चाइनीज़ कंपनी से हम खरीद रहे थे वो ना खरीदते हुए एक अल्टरनेटिव हमारे पास है, नॉइस है, और नॉइस जैसी और कुछ कंपनीज है जो भारत की है, उसके उसका जो मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, वो सब भारत की है। जो स्पेयर पार्ट्स के लिए उनको दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और फिर भी अगर हमें खरीदना है स्वदेशी वस्तुओं को, अगर हमें प्राधान्य देना है, तो फिलहाल जो चॉइस हमारे पास अवेलेबल है उसमें नॉइस एक डेफिनेटली अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो एक अच्छे ब्रांड के साथ एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक किफ़ायती दाम में हमें अवेलेबल कर रही है। और इसी के कारण फॉरेन इम्पोर्टेड ब्रांड्स के साथ कंपटीशन करने के बाद भी पिछले 4 साल से वो लगातार बेस्ट सेलिंग का किताब जीतते आ रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द आपको नॉइस के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू और अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा। वो प्रोडक्ट्स आप विपणी पर खरीद सकते हो एक अच्छे दाम में, सस्ते दाम में। फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ, डिस्क्रिप्शन में विपणी की आपको लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर के आपको साइनअप करना है, फ्री साइनअप, और प्रोडक्ट्स खरीदी करना आप शुरू कर सकते हो। उसी के साथ इस चैनल को आप बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले दिनों में हम बनाने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमसे ट्यून रहने के लिए, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आपको यह सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।